हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पसली टूटने, फ्रैक्चर होने, चटकने के क्या लक्षण होते हैं और ऐसा होने के क्या खतरे हो सकते हैं और इसका इलाज क्या होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में पसलियां हमारे मुख्य अंगों जैसे कि दिल और लंग्स को बचाने में, सुरक्षा देने में मदद करती हैं। लेकिन यदि किसी कारण से पसली टूट जाए या कई पसलियाँ टूट जाए तो इससे आपके अंदरूनी अंगों को नुकसान भी पहुँच सकता है। पसली के या पसलियों के टूटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे खेल कूद में चोट लग जाना, लड़ाई झगड़ों में या एक्सीडेंट में पसली को चोट पहुंच जाना, गिरने से, लटकने से, यहां तक कि तेज यदि आप खांसते हैं तो भी आपको पसली में फ्रैक्चर की समस्या हो सकती है या टूटने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या जिन लोगों को होती है, उनकी हड्डियाँ पतली हो जाती हैं और उम्र बढ़ने के साथ वो टूट भी सकती हैं, तो इस कारण भी आपकी पसलियों में चोट आ सकती है। पसली टूटने के लक्षणों की बात करें तो इसमें आपको चेस्ट के क्षेत्र में दर्द होता है। पसली टूटने वाली या फ्रैक्चर होने वाली जगह पर हाथ लगाने पर आपको तेज दर्द महसूस होता है। पसली टूटने का दर्द गहरी सांस लेने से बढ़ता है। इसके अलावा हिलने डुलने पर या लेटकर उठने पर या झुकने पर आपको दर्द तेज महसूस होता है चेस्ट के एरिया में। इसके अलावा खांसने पर या हंसने पर आपको चेस्ट एरिया में तेज दर्द हो सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो आपको किसी अच्छे हड्डियों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप पसली टूटने का इलाज नहीं करवाते तो इससे आपको और भी खतरे हो सकते हैं। आमतौर पर डॉक्टर सबसे पहले आपके पसलियों की जांच करता है, उसके बाद आपके लंग्स की यानी कि आपके फेफड़ों की जांच करता है। इसके अलावा आपको एक्सरे करवाने की सलाह दे सकता है डॉक्टर। आपको सीटी स्कैन करवाने की भी डॉक्टर सलाह दे सकता है, ताकि ये पता चल सके कि आपके लीवर, किडनी या स्प्लीन को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा टूटी हुई पसली से। सही कारण का पता लगने के बाद आपको दवा दी जा सकती है यदि किसी अंदरूनी अंग को नुकसान पहुँचा है, तो ऐसे में डॉक्टर आपकी सर्जरी भी कर सकता है। इलाज की बात करें तो डॉक्टर आपको कारण के आधार पर इलाज देता है। जैसे कि यदि आपकी चोट छोटी है यानी कि फ्रैक्चर ही है छोटा मोटा, तो आपको दर्द निवारक दवा दे सकता है। आमतौर पर पसली यदि फ्रैक्चर है या टूटी हुई है तो उसे रिकवर करने में यानी कि उसकी रिकवरी में 6 हफ्तों तक का समय लग सकता है, यानी कि 1.5 महीना। इसके अलावा आप घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं, जैसे कि आपको सही तरह से आराम करने की सलाह दी जाती है। दर्द और सूजन की समस्या होने पर आप ठंडा सेक कर सकते हैं उस एरिया का जहां पर पसली टूटी हुई है। आमतौर पर पसली टूटने के बाद सबसे बड़ा खतरा निमोनिया होने का होता है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको गहरी सांसें लेने की सलाह दे सकता है या ऐसी एक्सरसाइजेज करने की सलाह दे सकता है जिसमें गहरी सांस आपको अंदर लेनी हो। यदि पसली के टूटने के खतरों की बात करें तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी पसली किस जगह से टूटी है। जैसे यदि आपकी पसली ऊपर की तरफ टूटी है तो इससे महत्वपूर्ण खून की नलिका को चोट लग सकती है या नुकसान हो सकता है। पसली यदि बीच में से टूटती है तो इससे आपके लंग्स को नुकसान पहुंच सकता है पसली के तीखे कोनों से। इसी प्रकार पसली का नीचे की तरफ से टूटना आपके लीवर, किडनी या स्प्लीन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, यदि आपकी कंडीशन सीरियस है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि आपकी पसली से दूसरे अंगों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। यदि आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न हो तो हमसे ज़रूर पूछिए कमेंट करके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।